नमस्कार, DNX गोटगासिप में स्वागत है आपका। कोरोना संक्रमण से पूरा देश दहल रहा है। छत्तीसगढ़ में भी कोरोना संक्रमण बहुत बृहद प्रभाव दिखा रहा है। पूरा प्रदेश व्यापी लॉकडाउन की स्थिति में हम लोग हैं और आज लॉकडाउन बढ़ा देने का निर्णय भी छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा ले लिया गया है। तो आज गासिप गोट में चर्चा करते हैं कोरोना से। कोरोना जो न कराए वो कम, इस कोरोना ने कैसे कैसे दिन दिखा दिए, दिखा रहा है और दिखाएगा। ताली बज गई, थाली बज गई, बत्ती बंद और मोबाइल की टार्च जल गई, हद तो अब हो गई। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ की। कल के महाराजा और आज के मंत्री को मरीजों का नाश्ता और भोजन टेस्ट करना पड़ रहा है ताकि उन्हें क्वालिटी फूड प्रोवाइड हो। भाई मरीज कोरोना के, लिहाजा दर्जा VIP से कम तो होना नहीं है। थोड़ी शिकायत क्या आ गई, महाराजा स्वयं गुणवत्ता परखने लग गए, लेकिन एक अकेली जान कहाँ कहाँ परखे। और फिर क्या गारंटी कि महाराजा ने जो स्वाद लिया वही मरीजों तक भी पहुँच पाएगा। यदि पहुँचता तो शिकायत ही क्यों आती। महाराजा भी याद करते होंगे किसी ज़माने में उन्हें परोसे भोजन की क्वालिटी की जांच डॉक्टर और कोई मुलाजिम करता था। ओके एंड टेस्टेड के सर्टिफिकेट के बाद थाली महाराजा के सामने आती थी। आज महाराजा टेस्ट कर रहे हैं, फिर थाली जा रही है कोरोना मरीज के पास। कोरोना तेरी महिमा बरनी न जाए। जी हाँ, गासिप गोट की अगली कड़ी जय हो कोरोना वॉरियर की। कोरोना काल में कोरोना वॉरियर की चर्चा भी खूब है, इनके लिए भी फूल बरसाए गए, लेकिन यहाँ एक अलग ही कोरोना वॉरियर की चर्चा है। ऐसा कहा जा रहा है कि कोरोना काल को अवसर के रूप में देखें। सही है, अवसर तो बहुत है, लेकिन कभी कभी मजबूरी के अवसर आड़े आ जाती है। प्रदेश में लॉकडाउन है और यह बढ़ भी गया, अवसर इसमें बहुत मिल रहे हैं। अब अवसर खोजने वाले तो हर जगह अवसर तलाश ही लेते हैं, अब कोरोना वॉरियर भी अवसर तलाशने लगे हैं। गायों का भी एक समय निर्धारित है जब उन्हें दूहा जाता है, गायों को दूहने के लिए एक समय निर्धारित है। ऐसे में दूध लेकर जा रहे एक किसान को कोरोना वॉरियर ने रोक दिया। बड़े बड़े डिब्बे में दूध भरा देख कोरोना वॉरियर का मूड बन गया कि चलो दूध ही ले लिया जाए, फिर छोड़ दिया जाए। उसने अपनी इच्छा दूध वाले को बताई, हमें भी दूध चाहिए। अब किसान के पास ऐसी कोई चीज़ नहीं थी जिसमें से वह दूध निकाल कर कोरोना वॉरियर को देता। किसान ने कोरोना वॉरियर को दूध देने में अनभिज्ञता जताई। कोरोना वॉरियर ने कहीं से बाटल का इंतजाम कर लिया, लेकिन बाटल में दूध ढाले तो कैसे, बड़ा डिब्बा मुश्किल से उठाना पड़ रहा था। किसान ने जब बाटल में दूध देने में असमर्थता जताई तो कोरोना वॉरियर ने कहा, डिब्बे के भीतर इस बाटल को डालकर एक बाटल दूध निकाल कर दे दे। किसान ने कहा, गजब साहब, यदि मैं इस बाटल को इसके अंदर डुबाता हूँ तो हो सकता है लोग संक्रमित हो जाएं या फिर पूरा का पूरा दूध फट जाए और मैं आज अन्य लोगों को दूध न दे पाऊँ। काफ़ी समझाने बुझाने के बाद किसान की बातें कोरोना वॉरियर की समझ में आईं। जय हो कोरोना वॉरियर की। कोरोना वॉरियर पर ही अगली कड़ी आज गासिप गोट में। अपने तो अपने होते हैं, पता नहीं कहां से रसीद बनवाकर शहर के कुछ कोरोना वॉरियर्स ने एक ट्रक को पकड़ लिया। उसे बताया गया कि लॉकडाउन तोड़ने का जुर्माना लगेगा। ट्रक वाले ने काफ़ी मिन्नतें की लेकिन वे नहीं माने। कुल 1500 रुपये का जुर्माना लेकर बकायदा उसे रसीद दिया गया और ट्रक को छोड़ा गया। लेकिन रसीद मिलते ही रसीद देखकर ट्रक वाला समझ गया कि कुछ तो गड़बड़ है। किसी तीसरे आदमी ने इसकी सूचना ऊपर दे दी। फिर क्या था, अपनों को अपनों ने ही पकड़ लिया। मामला फटाफट रफा दफा किया गया। मामला रफा दफा होने की पूरी संभावना वास्तविकता में बदल गई, ऐसी खबर आ रही है। गासिप गोट की अगली कड़ी आज फिर एक बार चिट्ठी की बातें। अब चिट्ठी आई नहीं, आ ही जाए, अर्थात चिट्ठी आई नहीं है, आने के लिए गुजारिश की जा रही है। काश मुख्यमंत्री को एक पत्र और लिख दिया जाए। कौन लिख दें, प्रियंका गांधी लिख दें। ये दर्द है नेता प्रतिपक्ष का। जी नहीं, राखी पर नहीं, लुगरा पर भी जाहिर नहीं की गई है यह इच्छा। ये इच्छा जाहिर की गई है पत्र लिखा जाए कोरोना नियंत्रण पर।
दरअसल कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर कोरोना से निपटने के लिए सुझाव दिया है। नेता प्रतिपक्ष श्री कौशिक ने बाकायदा पत्रकारों से चर्चा में उत्तर प्रदेश के साथ साथ कांग्रेस शासित राज्यों की सुध लेने का सुझाव भी प्रियंका गांधी को दे दिया है। नेता प्रतिपक्ष ने स्वयं के अलावा पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व मंत्री ब्रिजमोहन अग्रवाल के सुझावों पर भी छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा अमल नहीं करने की बातें कही है। कोरोना के बढ़ते दुष्प्रभाव व हालात से चिंतित नेता प्रतिपक्ष के चिट्ठी के सुझाव पर लोग चुटकी ले रहे हैं। लोग हवाला दे रहे हैं दीदी की राखी वाली चिट्ठी का। लोग कह रहे हैं कि कैसे मान लें कि चिट्ठी का संज्ञान नहीं लेते मुख्यमंत्री। गॉसिप गोट की अगली कड़ी में एक बार फिर चलते हैं स्कूलों की ओर। पोंगा ही नहीं सूखा भी, उत्सव नहीं पर किताबें और सूखा राशन। जी हाँ, गांव गोट में अब भूपेश सरकार की एक और अभिनव पहल की चर्चा है। स्कूलों में सूखा राशन वितरित किया जाएगा। इसके लिए बाकायदा चार्ट भी तैयार किए गए हैं। प्राथमिक स्कूलों में 45 दिनों के लिए 4500 ग्राम चावल, 900 ग्राम दाल, अचार 300 ग्राम, सोया बड़ी 450 ग्राम, तेल 225 ग्राम और नमक 250 ग्राम प्रदाय किया जाना है। उक्त सामग्री का डेढ़ गुना अर्थात उक्त सभी पदार्थों का डेढ़ गुना माध्यमिक स्तर के छात्रों के लिए दिया जाएगा। 16 जून से 10 अगस्त तक का मध्यान्ह भोजन वितरण का निर्णय सरकार ने ले लिया है। इसके साथ ही किताबों का भी वितरण किया जाना है। सब जारी है, पोंगा से पढ़ाई, घर घर तक सूखा राशन। यदि कोई चीज़ नहीं हो पा रहा है तो वह है प्रवेशोत्सव। जी हाँ, शाला प्रवेशोत्सव। खैर, उत्सव नहीं तो सूखा वितरण में ही सही। नेताजी लोग बाकायदा सक्रिय हैं पोंगा के साथ सूखा पैकेट लेकर। गासिप गोठ में आज इतना ही।